भाजपा की पहली सूची जल्द आने की संभावना जताई जा रही है, यानी कांग्रेस से पहले भाजपा की सूची जाएगी। मध्य प्रदेश के चुनाव राजस्थान के साथ होने हैं। भाजपा ने एमपी में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जानकारों का मानना है कि एमपी की तर्ज पर ही राजस्थान में पहली सूची जारी होगी। एमपी में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। तोमर को हाल ही में एमपी चुनाव प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब अचानक विधायक पद का चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। यदि राजस्थान में भी एमपी वाला फॉर्मूला लागू किया जाता है तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ, टोंक सवाई माधोपुर के सांसद जौनपुरिया, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी आदि भी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार हो सकते हैं। एमपी में जिन 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया है, उनमें से 6 सांसद उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जहां गत बार भाजपा की हार हुई है, यानी चुनौती बड़ी होगी। राजस्थान में कहा जा रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत को जोधपुर शहर की सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। इस सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, यानी सीएम गहलोत के सामने शेखावत भाजपा के उम्मीदवार होंगे। शेखावत की उम्मीदवारी के पीछे गहलोत को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में उलझा कर रखना है। शेखावत पूर्व में भी कह चुके हैं कि पार्टी का आदेश होगा तो गहलोत के सामने चुनाव लड़ूंगा। मालूम हो कि गत बार लोकसभा के चुनाव में शेखावत ने जोधपुर से सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को 4,00,000 मतों से हराया था और संजीवनी घोटाले में गहलोत और गजेंद्र दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत खुद बोल चुके हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा तो वो जरूर लड़ेंगे।